Assalamu alaikum, as parents. Today we will talk about the difference between deen and religion. Deen aur mazhab mein kya fark hai? Is topic ki ahmiyat isliye hai ke 2016 mein aur 2022 mein ye jo question hai ye kuch is andaaz se pucha gaya. Describe the importance of deen in human life. Differentiate between deen and religions. तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी importance of deen in human life इस टॉपिक के ऊपर, और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे difference between deen and religion. तो आज एक और भी खास बात ये है कि आज हमारे चैनल की 100 सेंचुरी मुकम्मल हो रही है वीडियोस की. इस प्रोग्राम का आगाज़ हमने 9 अप्रैल 2021 को किया था, और आज खैर से तकरीबन कोई इस स्कीम को 17 महीने हो चुके हैं, यानी 1.5 साल हो गया है. हम बहुत कंसिस्टेंस से और मुस्तकिल मिजाजी से आपको मुख्तलिफ किस्म के जो CSS PMS के बारे में गाइडेंस का जो सिलसिला है ये हमने शुरू किया हुआ है. तो आज ये 100वां लेक्चर है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है. डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, ये तो हमने वीडियो बना ली. आज हम बात करेंगे डिफरेंस के ऊपर बिटवीन दीन एंड रिलीजन्स. Difference between deen and religion. Quran Pak, Surah Toba, Quran Pak ki navi surah hai, aur iski ayat number hai 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa deenul haqqi la yuzhira hu ala deen kullihi walau karihal mushrikun. Iska tarjuma ye hai ki he is the one who has sent his messenger with true guidance and deen of truth, deen-e-haq, making it prevail over all others, even to the dismay of the polytheists. Yani wahi to hai jisne apne peghambar ko bheja sachi rehnumai ke saath aur deen-e-haq ke saath, taake wo digar जो अदियान हैं, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि दीगर रिलीजन्स के लिए दीन का लफ्ज यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है. दीगर मजाहब के लिए भी यहाँ पे अलग दीन कुल्ले ही, यानी तमाम जो दीन हैं उनके लिए, उनके ऊपर गालिब कर दे दीन इस्लाम को, और चाहे ये मुशरिकीन को नागवार गुजरे. यहाँ पे दीगर मजाहब के लिए भी दीन का लफ्ज यूज हुआ है, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि सच्चा दीन जो है वो इस्लाम है, बाकी जो है वो मजाहिब हैं. तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन्स. दीन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल दीन? एन अरेबिक वर्ड दैट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द वे आर द मैनर. दीन का मतलब है रास्ता, तरीका, और इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि कैसा ज़ाबता हयात जो कि फॉलो करना लाजमी है, कंपलसरी है, बाइंडिंग है. तो ये है दीन का मतलब. व्हाट इज मेंट बाय रिलीजन? रिलीजन की डिफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ए पर्सनल सेट आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ रिलीजियस एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. द टर्म रिलीजन मीन्स रिस्पेक्ट फॉर sense of right, moral obligation and sanctity. The belief in worship of a superhuman controlling power, especially a personal god or gods. Oxford Dictionaries की definition है, और American Heritage Dictionary के मुताबिक belief in and reverence for a supernatural power recognized as the creator and governor of the universe. A particular integrated system of this expression. The spiritual or emotional attitude of one who recognizes the existence of a superhuman power or powers. फिर
अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हैट के मुताबिक रिलीजन इज व्हाट एन इंडिविजुअल डज विद हिज सॉलिटेरीनेस, तन्हाई के लम्हात में जो एक शख्स करता है वो उसका मजहब है। दुनिया में सिर्फ एक ही दीन है जो कि सच्चा दीन, वो इस्लाम है। बाकी सब को हम मजाहिब कहेंगे। इस्लाम के लिए आप कोशिश करें इस्लामियात के पेपर में दीन का वर्ड यूज़ करें, और मजाहिब का वर्ड दीगर जो मजाहिब है उनके लिए यूज़ करें, इस्लाम के लिए दीन का वर्ड यूज़ करें। एग्जांपल ऑफ अदर रिलीजन्स, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, शिंटोइज्म, ताओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म, ये डिफरेंट रिलीजन हैं दुनिया में जो पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो बेसिकली जो दीन है जो कि सिर्फ इस्लाम है, ये इबादात भी बताता है, रिचुअल भी बताता है, प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात करता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी बताता है, अल्लाह कौन है और अल्लाह के नबी कौन है, अकायद की बात भी करता है, बिलीफ्स की बात भी करता है, लेकिन साथ साथ ये पूरा निज़ाम देता है। एक ऐसा निज़ाम देता है कि आपका मुआशरती निज़ाम क्या होगा, आपका इक्तिसादी निज़ाम क्या होगा, सियासी निज़ाम क्या होगा, राइट्स क्या होंगे, रहना कैसे है, यानी जिंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में रहनुमाई फराहम करता है। इसलिए इसको दीन कहते हैं। ये सिर्फ इबादात का, अकायद का मजमूआ नहीं है, इसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका है और ज़िंदगी के निज़ाम, सियासी, माशरती और इक्तिसादी सारे निज़ाम मौजूद हैं। जबकि जो दीगर मजाहब हैं वो सिर्फ और सिर्फ इबादात और इंसान की पर्सनल लाइफ के बारे में गाइडेंस फ्राहम करते हैं। दीगर मजाहब सिर्फ और सिर्फ आपके इबादात, आपके अकायद, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में गाइडेंस देते हैं। वो कोई सियासी, इज्तमाई, मुआशरती, मुआशी निज़ाम जो हैं वो फ्राहम नहीं करते। फिर दीन और मजाहब में फ़र्क ये भी है कि स्कोप ऑफ टीचिंग का फ़र्क है, जो हमने बात की कि रिलीजन इज कंसर्न विद द बिलीव्स, वर्शिप्स एंड रिचुअल्स, जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ एंड वन जस्ट पर्सनल लाइफ, एंड दीन इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ विच आल्सो इंक्लूड्स वर्शिप, रिचुअल्स, इट आल्सो गिव्स डिवाइन लॉज, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या होंगे, विरासत के हकूक देता है, ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, लिखना है उसके बारे में, फिर एविडेंस के कानून हैं, फिर आपका सजा है, कौन से जुर्म की क्या सजा है, इवन जहाँ तक बताया गया है, हदूद हैं उसका निज़ाम मौजूद है, पनिशमेंट्स हैं उनके बारे में गाइडेंस मौजूद है, एक अच्छा मुआशरा तश्कील करना है उसके बारे में रहनुमाई मौजूद है, इक्तिसादी निज़ाम के बारे में रहनुमाई मौजूद है, सियासी निज़ाम के बारे में रहनुमाई मौजूद है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में मौजूद है, कानून मौजूद हैं इस्लाम की जो होली बुक है कुरान उसके अंदर। तो ये इसका जो स्कोप ऑफ टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा वसी है, कम्प्रीहेंसिव है और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करता है। फिर सोर्स ऑफ टीचिंग में ये आता है कि जो रिलीजन्स हैं वो मिथ के ऊपर हैं, ट्रेडिशन के ऊपर बेस करते हैं, मैन मेड हैं। जो अल्हामी मजाहब हैं जैसा कि यहूदियत है, यानी जूडाइज्म है या क्रिश्चियनिटी है, दो देवर डिवाइन रिलीजन, लेकिन उनकी जो तालीमात हैं वो तहरीफात का शिकार हो गई हैं, अल्ट्रेशन का शिकार हो गई हैं, उनके अंदर इंसानों ने अपने अपने जो तालीमात हैं उनको शामिल कर दिया है, वो प्योर नहीं रही उस तरीके से। इस्लाम की जो तालीमात हैं कुरान पाक और सुन्ना वो प्योर हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं है, और दीन इस्लाम जो है वो डिवाइन गाइडेंस के ऊपर बेस करता है। तो फ़र्क ये है कि चूंकि इंसान है, इंसान को अल्लाह ने बनाया है, इंसान रहना कैसे है ये भी अल्लाह ने ही बताया है, तो ये डिवाइन गाइडेंस के ऊपर जब आप चलते हैं तो आप जो है वो फला पाते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कि जिसमें सिखाया जाता है, बल्कि तरगीब दी जाती है कि आप अपना माइंड यूज़ करें, सोचें। कुरान पाक में जगह जगह पे ये कहा गया है कि आप अपना माइंड क्यों नहीं यूज़ करते, आप सोचते क्यों नहीं, आप गौर व फिक्र करें।
दीगर जो रिलीजन्स हैं वो रैशनल थिंकिंग के खिलाफ हैं और वो इस बात के भी इतना हक में नहीं है कि, क्योंकि दीगर मजाहब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो उनकी एक बहुत बड़ी जो जंग है वो रही है, चर्च और साइंस की जंग रही है। अहले इलम लोगों की जो मजाहब के साथ या मजाहब के जो पैरोकार थे उनके साथ तवील जंग रही है। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ पर यह साबित होता है। तो इस्लाम जो है वो एक्सप्लोर करने की बात करता है कि आप नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करें, नए अलूम एक्सप्लोर करें, जबकि दीगर मजाहब जो हैं उनके अंदर रैशनल थिंकिंग और नए अलूम की तरफ जाने की तरगीब नहीं है उस तरीके से। फिर कुरान पाक और इस्लाम जो गाइडेंस का मैकेनिज्म बनाते हैं उसमें कुरान पाक एक किताब की शक्ल में गाइडेंस है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है जिसको सुन्ना बोलते हैं और उसमें अहादीस हैं, आपकी सेंग्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, टीचिंग्स हैं, वो सारी की सारी भी महफूज हैं। यानी कुरान पाक की गाइडेंस प्लस सुन्ना, यानी जो उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, तो ये कम्प्लीट हमारे सामने एक पैकेज आता है जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो भी एक दीन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो दीन को मुकम्मल करती है। तमाम जो दीगर मजाहब हैं उनके अंदर ऐसी परफेक्शन नहीं है, इस तरह का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है कि एक इल्हामी किताब भी हो और साथ एक पूरी पूरी एक ऐसी एक, एक, एक ऐसी लाइफ मौजूद हो एक पैगम्बर की जो कि बहुत बड़ा उसवा हसना हो, एक बहुत बड़ा नमूना हो। इस तरह का जो टीचिंग्स हैं अथेंटिक तरीके से हम तक पहुंची हुई, ये सिर्फ मिसाल इस्लाम में ही मिलती है। अब हम कुछ बात करते हैं स्पेसिफिक डिफरेंसेस की विद सर्टेन रिलीजन्स, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म। इस्लाम में तौहीद का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी देयर इज वन गॉड, देयर इज वन अल्लाह अलमाइटी, जबकि हिंदुइज्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। इस्लाम की होली बुक जो है वो कुरान पाक है, जबकि हिंदुइज्म की कोई ऐसी अथेंटिक बुक मौजूद नहीं है। इवन उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसकी बुनियाद के बारे में, टीचिंग्स के बारे में कोई अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें किताबी शक्ल में नहीं मिलती है। फिर इस्लाम में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, जबकि हिंदुइज्म की टीचिंग्स में चूंकि वो मुख्तलिफ लोगों ने शामिल कर ली बाद में तो उसमें बहुत सारी कंट्रडिक्शन मिलती हैं। इस्लाम जो है वो क्लास सिस्टम की नफी करता है, बल्कि ये कहता है कि ऑल मैन आर इक्वल और तकवा की बुनियाद पे ही सिर्फ फजीलत हासिल है, जबकि हिंदुइज्म में क्लास सिस्टम मौजूद है, उसमें चार क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। वुमेन राइट्स हैं इस्लाम में, जबकि हमें ये पढ़ के पता चलता है हिंदुइज्म में कि उस तरह के राइट्स नहीं हैं औरतों के लिए, खासतौर पर विडोज़ के लिए वो राइट्स नहीं हैं जो कि इंसानी हकूक हैं, वो विडोज़ के लिए हिंदुइज्म में नहीं है। फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है इस्लाम में, और इस तरह का जो सिस्टम है वो हिंदुइज्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इस्लाम में कंसेप्ट यह है कि अगर आप बुरे अमाल करते हैं तो अगले जहान में लाइफ हेयर आफ्टर में आपको जन्नत या जहन्नम का कंसेप्ट है और आप काउंटेबल हैं। इस्लाम वर्सेस बुद्धिज्म, इस्लामी जो तालीमात हैं वो अलहमी हैं, जामे हैं, आलमगीर हैं और मुकम्मल हैं, जबकि बुद्धिज्म एक एवोल्यूशन के नतीजे में, एक हिस्टोरिक एवोल्यूशन के नतीजे में आया। इसमें बुद्धा जो था, गौतम बुद्धा, उसने कोई किताब नहीं दी, कोई इबादत का तरीका नहीं बताया और कोई अल्लाह ताला का भी कंसेप्ट नहीं दिया। बाद में बहुत सारी तालीमात बुद्धिज्म का हिस्सा बनी और इस मजहब ने दीगर मजाहब से, जैसा कि हिंदुइज्म है, शिंटोइज्म है, ताओइज्म से भी बहुत सारी तालीमात मुस्तार ली, और इसकी तालीमात में फिर बाद में तब्दीलियाँ भी होती रहीं किसी इलाके के इन्वायरमेंट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। तो इस्लाम तो हर जगह के लिए यकसा है, इसकी तालीमात यकसा हैं और ये इसकी तालीमात तब्दील नहीं होती कि हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग तालीमात हैं और यूरोप के लिए अलग हैं, अरब ममालिक के लिए अलग हैं। फिर इस्लाम में स्टैट्यूट्स का, मुजस्मों का कंसेप्ट नहीं है, जबकि बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मुजस्मों की। फिर इस्लाम ये कहता है कि जो आपकी अगली ज़िंदगी है मरने के बाद, उखरवी ज़िंदगी जो है, लाइफ हेयर आफ्टर, वो बहुत इन्फिनिट है, लामहदूद है, और उसके बाद फिर और कोई लाइफ नहीं होगी, यानी वही लाइफ है, चलती रहेगी। जबकि बुद्धिज्म ये कहता है कि
लोग मरने के बाद कुछ टाइम जन्नत या जहन्नम में गुजार के अपनी सजा पूरी करते हैं या अपना अजर पूरा करके दोबारा इस दुनिया में भेज दिए जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर इस्लाम जो है वो एक सिस्टम देता है सोशल पॉलिटिकल इकनॉमिक, जबकि ऐसा कोई सिस्टम जो है वो बौद्धिज्म प्रोवाइड नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि आप दीन और दुनिया के अंदर जो है इम्तिज़ाज पैदा करें, बैलेंस लेके आएँ, मॉडरेशन बैलेंस लेके आएँ और दीन को भी साथ साथ चलाएं, दुनिया को भी साथ साथ चलाएं। जबकि बुद्धिज़्म जो है वो रबानियत और तुर्क दुनिया यानी गिविंग अप ऑफ दिस वर्ल्डली लाइफ उसकी उसको इनक्रेज करता है। जुडाइज्म और इस्लाम में क्या फ़र्क है? इस्लाम का ये कंसेप्ट है कि अल्लाह ताला का ना तो कोई वालदैन है ना अल्लाह ताला के कोई बच्चे हैं, जबकि ज्यूज़ ये बिलीव करते हैं कि हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अल्लाह ताला के बेटे थे नऊज़बिल्लाह। और दूसरा फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला जो है वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, हर चीज़ पे कादिर है और उसकी कोई ऐसी वीकनेसेस नहीं है जैसे इंसानों की होती हैं। जबकि जुडाइज्म में बताया गया है कि बहुत सारी ह्यूमन फीलिंग्स अल्लाह ताला के साथ जैसे थकना, रंज करना, गम करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की ज़ात के साथ मंसूब की गई हैं। इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए है जबकि जुडाइज्म जो है वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए है। और इस्लाम की जो जितने भी इस्लाम में तमाम प्रॉफिट्स का एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है और ये कुरान पाक की आयत का तर्जमा मफहूम ये है कि हम अल्लाह के नबियों में फ़र्क नहीं करते। जबकि ज्यूज़ जो हैं उनके अंदर नबियों का नऊज़ बिल्लाह कत्ल का भी इंसिडेंट्स हुए और बहुत सारे जो इल्ज़ाम हैं झूठे वो नबियों के साथ मंसूब हैं ज्यूइश लिटरेचर में। फिर इस्लाम में एक कंसेप्ट है क्लियर कट कंसेप्ट है डे ऑफ द जजमेंट के बारे में, जबकि ऐसा कोई कंसेप्ट जो है वो जुडाइज्म में मौजूद नहीं है। फिर इस्लाम में औरतों के जो विरासत के हकूक हैं ऐसे हकूक जो हैं वो जुडाइज्म में नहीं हैं। इस्लाम में प्रिजनर ऑफ वार के यानी जंगी कैदियों के राइट्स हैं, जबकि ऐसे कोई राइट्स जो हैं वो जुडाइज्म में नहीं है। इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी क्या फ़र्क है? इस्लाम जो है वो उसकी तालीमात महफूज हैं, कुरान पाक महफूज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। जबकि जो क्रिश्चियनिटी की सेक्रेट बुक है इंजील, उसमें तब्दीलियाँ हुई और अब बहुत सारे वर्जन उसके अवेलेबल हैं जिनमें काफ़ी सारे कंट्रडिक्शन हैं। फिर इस्लाम में हलाल और हराम का कंसेप्ट मौजूद है अभी तक, जबकि जो क्रिश्चियनिटी में अभी ये फ़र्क जो है वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। इस्लाम का कंसेप्ट यह है कि दुनिया की ज़िंदगी जो है ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है और कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो है इस दुनिया में रखा है उसको ना भूलें। जबकि ये ज़िंदगी जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रिपेयर फॉर द लाइफ हेयर आफ्टर, यानी उखरवी ज़िंदगी की तारीख के लिए एक मौका फराहम करती है। क्रिश्चियनिटी में ये कंसेप्ट है कि जो ये लाइफ है ये हम एक गुनाह का नतीजा है जो कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सरज़द हुआ और उसके बाद फिर ये सज़ा के तौर पर इंसान को भेजा गया है। इस्लाम में कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है कि हर बंदा अपने अमाल और अपने अमाल का जवाब दे है और जो बच्चा है वो मासूम होता है। जबकि क्रिश्चियनिटी में ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पे जान दे के इन गुनाहों को कुफारा अदा किया और हर इंसान गुनाहगार है और ये कंसेप्ट है अकाउंटेबिलिटी का। इस्लाम में ये है कि दीन और दुनिया, इस दुनिया और अगली दुनिया के दरमियान आप ये बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी में ये है कि आपको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, आपको रबानी या तुर्क दुनिया का कंसेप्ट है। इस्लाम पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम देता है, क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई सिस्टम हमें नहीं मिलता। इस्लाम में तौहीद का कंसेप्ट है और क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे मुशरिकाना अकायद जो हैं पॉलीथियज्म का कंसेप्ट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। ये बिल्कुल हम FPSC के जो सिलेबस है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं और ये सारे लेक्चर जो हैं ये बड़ी रिसर्च के बाद आपके सामने पेश किए जाते हैं। होपफुली आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।